आपकी स्ट्रेटजी क्या है उसको डील करने की? हमारे हॉस्पिटल में 100 बेड्स हमने रेडी रखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा हमें सर कुछ ये हॉस्टल वगैरह जो है इनको रेडी रखना पड़ेगा, और ये शीश महल वगैरह गाड़ी में ओवरलोडेड होती है गाड़ी, और अगर ये ओवरलोडेड गाड़ियों का ये सिलसिला चलता रहा तो हम सर पीछे होम आइसोलेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है वो कौन चेक कर रहा है? सर हमारी जो कंटेक्टेसी टीम होती है ना सर, होम क्वारंटाइन की पॉसिबिलिटी है कि नहीं वहाँ पर, पहले वो चेक करते हैं, और इनके पास फॉर्म होता है सर जिसपे डिटेल्स उनके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं कि हम इन कोविड बिहेवियर को फॉलो करेंगे, और उसमें एक सर लास्ट वाला फॉर्म होता है जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर उनको दिया जाता है, सुबह शाम कन्वे करते हैं हमें कि आज हमने उनका सैचुरेशन पॉइंट ये था, आज उनका पल्स मीटर वो था, इसका एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। क्योंकि एक टीम होगी तो वहाँ एक क्लास हो जाता है एक किस्म का, और गाड़ियाँ अगर दो तीन बसें इकट्ठी आ गई 150 बंदा आ गया तो फिर वो क्राई होना शुरू हो जाती है पेशेंट को, तीन काउंटर्स तब ये पॉसिबल हो पाएगा कि एक एक काउंटर में 600-700 बंदा होगा, तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन है। जी सर अलार्मिंग है सर, अभी गुजरात में भी जो है ये जब यहाँ इंटर हो गए उनको तो चेक करना पड़ेगा, आने वहाँ नेगेटिव आए लेकिन ये आने में जो 15-20 घंटे हैं। जी से डीकेजी से और मुगल रोड से जितने भी लोग पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आकर रहने वाले हैं, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में रुकने वाले हैं रात के लिए, दिन के लिए, एक दिन के लिए भी, उनका सभी का 100% टेस्टिंग होने का मैकेनिज्म बताओ मुझे, और रिक्वायरमेंट आपके पास अवेलेबिलिटी है नहीं है ये बताओ। कैसे करेंगे फिर मुझे बता दीजिए सर। दिशा इसमें तीसरा जो परेड ग्राउंड पार्क है उसमें 500 आदमी, जब आप बात बोलते हो हम रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है सर, टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, एक तो जो है हमारे जो गाड़ियां हैं SHOs की उसमें PA सिस्टम ऑलरेडी माउंटेड है, आप दुकान में बैठे हैं तो अगर आप इन्फेक्ट हो जाएगा शाम को घर जाओगे, घर वालों को इन्फेक्ट करे, घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं वो मस्ट है जाना, तो वहाँ आप चले गए एक आधा चले, पूरी फैमिली को लेके मत जाए ना, आके पहले बच्चों को भी साथ लेके अगर कोई फंक्शन है कहीं पे मस्ट है जाना, पहले तो अवॉइड करें, अगर मस्ट है तो ऐसे टाइम जाएं कि जब जहाँ जा रहे हैं वहाँ कम लोग हो नहीं हो, ताकि आपकी हाजिरी भी लग जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग का मद्देनजर रखते हुए। और पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा कि हम रेगुलर कोविड का जो मेजर्स हैं उसको मेंटेन करने के उसको रिव्यू कर रहे हैं, आज भी एक रिव्यू मीटिंग रखी है जिसमें हमने सारे हेल्थ के लोग बुलाए हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया है, जो डिफरेंट टीम्स का पार्ट है उनको भी बुलाया है, पर्टिकुलरली जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको इन्फोर्स करने के लिए स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि उसको कैसे इन्फोर्स करना है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से जो नंबर ऑफ चलान्स जो हैं उस वो भी बढ़ रहे हैं, और जो हम उसमें पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं वो भी बढ़ रही है, पर चूंकि गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है अथॉरिटीज़ हैं इसके इसके लिए कोविड मेजर मिटिगेशन के लिए उन्होंने ऑर्डर किए हैं, और पिछले कल भी एक ऑर्डर हुआ है जिसमें सी चेंज है पहले वाले ऑर्डर को लेके, आपने देखा होगा कि इंडोर की गैदरिंग जो है वो 50 कर दी है, आउटडोर की गैदरिंग जो है वो 100 कर दी है, पहले 200 था, और इसका जो टेस्टिंग को लेके या वैक्सीनेशन को लेके जो है उसमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन लगातार आ रही हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स करने के लिए और जो हम काम कर रहे हैं उसको रिव्यू करने के लिए आज हमने ये मीटिंग कॉल की है। आने वाले दिनों में जैसे जे कोविड के नंबर जो हैं वो बढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा और सख्ती से काम करना पड़ेगा, हमें और स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने पड़ेंगे, वो भी आज हम इस मीटिंग में सलाह करेंगे कि अब हमें और को और क्या क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है जिससे कोविड के फैलने के खतरे को हम कम से कम कर सकें, बस इन्हीं चीज़ों को रिव्यू करेंगे और कुछ आर्डर इशू करेंगे जिससे हम ये इन्फोर्स करेंगे और जो नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं उनको ले लेंगे।